दो गज की दूरी के साथ साथ मजदूर भाइयों को दो वक्त की रोटी के लिए तेजस्वी ने की है शानदार पहल। बिहार यूपी बॉर्डर पर कोरोना से बचने के नियमों का पालन करते हुए लालू रसोई और राजद भोजनालय का संचालन कराया, ताकि साधन के अभाव में दूर प्रदेशों से पांव में छाले लिए पैदल आते प्रवासी मजदूर भूखे प्यासे ना रहें। राजद भोजनालय और लालू रसोई से गरीबों का पेट भर रहा है, लेकिन नीतीश कुमार को शायद ये रास नहीं आया। बिहार सरकार को भूखे प्यासे मजदूरों को भरपेट भोजन करते देखा नहीं गया, तभी तो राजद के भोजनालय को उखाड़ने के लिए प्रशासन ने कमला भेज दिया। देखिए कैसे प्रशासन पहुंचा तेजस्वी के भोजनालय को उखाड़ने। हम लोग सरकारी पदाधिकारी, हम लोग सरकार के नियम और कानून का पालन करते हैं। इसके बाद आपको प्रेस वाले यहाँ प्रश्न। सर, आज सर 3 दिन से भूखा एक व्यक्ति आया। ये प्रश्न हमसे, सर 3 दिन से सर, जब ये प्रश्न जो करना है हम बता रहे, प्रेस में जो देना दीजिए सर, हम हटा देंगे। उन लोग कहाँ, नहीं आप हटा मत दीजिए, हम आए हैं जब्त करने के लिए। आप बोल रहे हैं कि जब्त कर लेंगे, सर वो कैसे खाएगा? हम कानून के कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम कानून का पालन करना मेरी भी मजबूरी है, हम करेंगे। ठीक है, आपको जो भी बोलना है आप स्टेटमेंट देते रहिएगा कि कानून खिलाफ हुआ, गलत हुआ, जो भी कहना कहिए। नीतीश की ये नीति तेजस्वी को आहत कर गई। भला इस मुश्किल वक्त में पर्याप्त दूरी बनाते हुए मजदूरों को खाना खिलाने का कोई कैसे विरोध कर सकता है? राजनीति मानवीयता पर इतनी हावी कैसे हो सकती है? इसी बात से आहत तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया कि नीतीश चाहे तो अपने पोस्टर वहां लगा लें, लेकिन भोजनालय को चलने दें, भूखे मजदूर का पेट भरने दें। और अगर नीतीश ने भोजनालय उजाड़ने की फिर से कोशिश की तो खुद तेजस्वी यादव वहां पहुंचेंगे। क्या कहा तेजस्वी ने, आइए सुनते हैं। दो दिन पहले जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहां काफी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो है वहां आ रहे हैं, और हम लोगों का ये मानना है कि दो गज दूरी के साथ साथ दो वक्त की रोटी भी उनको मिले, और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मजदूरों को जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाएगी। लेकिन कल रात से ही, कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो है उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पर जहाँ ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मजदूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके, हर एक चीज़ों का ध्यान, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारे कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ है तो मैं चाहूंगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दो वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो है वहां आ रहे खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहाँ नहीं खा पा रहे जहाँ, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है
आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी डिजिटल चुनाव की मुहिम में व्यस्त हैं, तो नीतीश कुमार भूखों को खाना खिलाने से रोकने में। बिहार की जनता ये हमेशा याद रखेगी कि ऐसे वक्त में तेजस्वी यादव ही थे जो मजदूरों के राशन को लेकर प्रशासन से लड़े और मजदूरों को वापस लाने और हर जरूरतमंद बिहारवासी तक भरपेट भोजन पहुंचाने में निस्वार्थ भाव से लगे रहे।